अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 36 ऑफ उर्दू सेकंड टर्म प्रिंटेड कॉपी। और उस पर आपने करना है हर्फ बे से अल्फाज बनाई, बे के अल्फाज बनाने हैं। रीड करते हैं, पहले भी आपने किए हैं। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा, बे वाओ बो, लाम वाओ लो बोलो, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, बाजी, बे अलिफ बा, जीम बड़ी है जे, बाजे, बे अलिफ बा, जीम बड़ी है जे, बाजे। सबसे पहले लिखेंगे बाबा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा, बे की आधी शक्ल, इसके साथ अलिफ जोड़ दिया तो बे अलिफ बा, बे की आधी शक्ल इसके साथ अलिफ जोड़ दिया, बे अलिफ बा, बा बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा, बे वाओ बो, लाम वाओ लो बोलो, बे वाओ बे की आधी शक्ल उसका वाओ लगा दिया, बे वाओ बो, लाम वाओ लो बोलो, बे वाओ बो, लाम वाओ लो बोलो, बाबा बोलो, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, बाजी, बे की आधी शक्ल उसके साथ अलिफ जोड़ दिया, बे अलिफ बा, जीम की आधी शक्ल उसके साथ छोटी है जोड़ दी, जीम छोटी है जी, बा जी, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, बाजी, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, बाजी, बे अलिफ बा, जीम बड़ी है जे, बाजे, बे की आधी शक्ल उसके साथ अलिफ जोड़ दिया, बे अलिफ बा, जीम की आधी शक्ल उसके साथ बड़ी है जोड़ दिया, जीम बड़ी है जे, बे अलिफ बा, जीम बड़ी है जे, बाजे, बे अलिफ बा, जीम बड़ी है जे, बाजे, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा, बे वाओ बो, लाम वाओ लो बोलो, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, बाजी, बे अलिफ बा, जीम बड़ी है जे, बाजे। अब आपने अच्छे से इसको साथ साथ पढ़ना है। अगेन मैं बता रही हूँ, वर्ड के नीचे वर्ड लिखना है तभी आपकी लाइन सीधी जाएगी, वरना ऐसे हो जाएगी, स्लांट में टेढ़ी हो जाएगी। और साथ में जब लिखना है तो पढ़ना भी है, फिर अगला वर्ड जब लिखना है फिर पढ़ना है, फिर लिखना है फिर पढ़ना है, साथ साथ रीडिंग करेंगे आपको जल्दी लर्न होगा। अल्लाह हाफिज़।